सब्सक्राइब करें इस लाल बटन को दबा के और घंटे को दबाएं सबसे पहले लेटेस्ट न्यूज़ पाने के लिए। हेलो दोस्तों, मैं पंकज दवानिया। आज आपको मैं बताऊंगा कि आयरन कैसे यूज़ करते हैं और टांके वांके कैसे लगाते हैं, जो टांके लगाने में दिक्कत होती है। ये मेरे पास आयरन है और इसे मैं चला के आपको दिखाता हूँ। ये तार है। ज़्यादातर कई बार क्या होता है कि हम टांके नहीं लगा पाते और हम जो सोचते हैं टांके लगता कैसा है, सही से टांके नहीं लग पाते। ये हमारा पेस्ट है, ये देख सकते हैं आप, ये हमने इसमें पेस्ट में लगाया है ये, ठीक है। और इसमें अभी हम थोड़ा सोल्डर लगा लेते हैं, ये देखें, सोल्डर लगा लिया हमने इसे, अभी से हम लगा लेते हैं। ये देखिए जी, हमारा टांका सही तरीके से लग चुका है। ये देखें, ज़्यादातर क्या होता है कि अब हमने इसे ऐसे लगाया है तो हमारा जब आयरन बिल्कुल बढ़िया तरीके से गर्म होगा तो हमारे तार को जल्दी गर्म करेगा। जहाँ हम ताकेंगे इसे, ये हमारा शोल्डर इस तार को पेस्ट रखा होगा तो जल्दी से गर्म करके इसे तार को शोल्डर पकड़ लेगा। कई बार हमने देखा है कि इन पे तार छिला रहता है काफ़ी टाइम का, तो इस पर कार्बन आया रहता है तो वो काम नहीं करता है, तो उसी वजह से टांका नहीं पकड़ता। तो कई बार हम इसे टांका कार्बन छुटा के भी पकड़ा सकते हैं। जैसे कि मेरा थोड़ा सा कार्बन लग रहा है, फिर भी मैंने शोल्डर लगाया है। ये देखें, ये इनने शोल्डर पकड़ लिया है। तो यही आप चीज़ देख सकते हैं कि कई बार कोशिश करते हैं, हम पर लगता नहीं है, और हम ज़्यादातर ऐसे भी लगा सकते हैं। ये देखें, तुरंत उसमें से लिया, तुरंत इसमें लगा दिया, क्योंकि हमारे शोल्डर पे भी थोड़ा पेस्ट होता है जिससे कि ये हमारा आराम से लग जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये देखें। ज़्यादातर आयरन कम गर्म होता है, कम गर्म होने की वजह से ये देख सकते हैं कि पूरा तरह गर्म हो रहा है। कम गर्म होने की वजह से हमारा काम भी नहीं करता है। जैसे कि हमारा लोया है, मोटे लोहे में लगाना है, देखो ये देखें, ये हमारा टांका नहीं लगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे शोल्डर ले रखना है और इसको आयरन रखना है। ये देखें, ये जब तक हमारा जहाँ हमने आयरन रख रखा है, ये पत्ती जब तक गर्म नहीं होती है जब तक ये पकड़ेगा नहीं। ये देखें, पानी की तरह गल दिया, क्योंकि हमारी पत्ती भी गर्म होगी, आयरन भी हमारा ठीक गर्म होगा तभी यह सोल्डिंग करेगा, और नहीं तो ये सोल्डिंग नहीं करेगा, हम तो हमें दिक्कत ही करता रहेगा। ये देखिए, शोल्डर कितना बढ़िया हो गया, इसलिए थोड़ा गर्म हो रहा है। क्योंकि हमारा जब तक गर्म नहीं होगा सही काम नहीं करेगा। ये देखें, देख सकते हैं आप। ज़्यादातर क्या कर सकते हैं, कहीं कई बार लाइट कम होती है तो हम आयरन सही से चला नहीं पाते, तो आप ये देख सकते हैं, मैंने पहले ही से खोल रखा है इसके पेंट। देख रहे हैं, दूसरा आयरन है, इसमें एक तार में डायोड लगा रहता है आयरन के। ये देखिए आप, ये डायोड लग रहा है, मैं स्लीव ऊपर हटा कर दिखाता हूँ। ये देखें, ये डायोड लग रहा है। तो इस डायोड को हटा के आप तार इसमें यहाँ डायरेक्ट लगा सकते हैं, तो जिससे कि ये हीट ज़्यादा होएगा, और ज़्यादा हीट होएगा तो आराम से आपको टांका लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कई बार क्या होता है, हम पे लाइट वीक होती है, उस वजह से हम ज़्यादातर टांके नहीं लगा पाते। हम सोचते हैं पता नहीं उनके पास ऐसा क्या होता है जिससे कि टांके लगते हैं ऐसे, और हमारे पास टांके नहीं लगते। तो इस तरीके से आप ये टांके लगा सकते हो। आपके यहाँ लाइट कम हो तो डायोड को हटा के डायरेक्ट कर सकते हो, जिससे कि आपके टांके आराम से लग सकते हैं। ठीक है जी दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।